हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे जो हाइड्रोलिक पाइप में यूज होता है फ्लेक्सिबल पाइप, हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो फ्लेक्सिबल पाइप यूज करते हैं, जैसे में मोबाइल क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया, हाइड्रा हो गया, या अपना इंडक्शन फर्निस हो गया, उसमें सिलेंडर में जो पाइप फ्लेक्सिबल पाइप यूज करते हैं, उसका जो चेकनेट होता है वो कैसे फिटिंग होता है, आज उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कैसे उसको फिक्स करते हैं और कितना प्रेशर उस पर प्रेशर से दबाव डालते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें। तो बने रहेगा वीडियो में, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी पाइप को छील रहे हैं, पाइप की जितना लेंथ है उतना लेंथ पे हम काट लिए हैं, काट के इसका पाइप को इसको छील रहे हैं, ऊपर से एक परत छील लेंगे ताकि, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसको, जो निप्पल लगाते हैं निप्पल चेकनट, वो हमको इसको डाल के लगा के चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर निप्पल लगा दिए, ठीक, इसके अंदर चेकनट लगा लेंगे पहले से ही। और इधर देखिए बहुत सारा चेकनट रखा हुआ है और पाइप रखा हुआ है सारा, इधर बहुत से पाइप रखा हुआ, हर अलग अलग साइज़ के पाइप सब पड़े हैं। और तो ये रहा इसकी मशीन है, ये जो ये मशीन देख रहे हैं आप, मशीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों निप्पल रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए पाइप छील के रेडी हो गया है। अब देखिए मशीन स्टार्ट कर ली है, अब मशीन में फिट करेंगे, लगाएंगे मशीन में। तो ये अलग अलग साइज़ के डाई आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के इसके डाई आते हैं, जैसे पाइप का निप्पल है उस हिसाब से डाई उसमें लगाएंगे, ठीक है। ये भी पाइप रखा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पाइप हम फिट करेंगे, पाइप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दो पाइप है, एक पुराना पाइप है, तो इसको इसको भी बनवाना था, तो एक पाइप उधर से कटवा लिए हैं, उसको छील लिए हैं, तो सोचे हैं कि एक ही साथ दोनों मतलब पंचिंग करेंगे, तो उसको भी पाइप को छील रहे हैं। ये भी पाइप छील के रेडी हो गया है। यहाँ पर निप्पल घुसा के चेक कर रहे हैं, अब देखिए थोड़ा टाइट जाएगा, इसको ठोक के बैठा देंगे, पूरा फिक्स हो जाएगा, देखिए बराबर फिक्स हो गया है। ये रहा इसकी मतलब डाई,
जो डाई है अलग अलग साइज़ की है सब, तो चेंज करेंगे अभी डाई। देखिए डाई निकाल रहे हैं, अब यहाँ से डाई उठा के डालेंगे। देखिए डाई इसे फिट करते हैं। दो डाई और डालना है, हाँ दोनों डाई पड़ गया। अब इसके बाद पाइप लगाएंगे। देखिए पाइप लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे, हाँ पाइप गिरे ना, ऐसे टाइट हो गया। अब मशीन चालू कर दिए, अब देख सकते हैं प्रेशर गेज बता रहा है कितना प्रेशर जा रहा है। यह मशीन ऑटोमेटिक है, इसके लिमिट से ज़्यादा प्रेशर अगर ट्रिप हो जाएगी, जितना उसकी कैपेसिटी प्रेस करना है। देखिए दोबारा एक बार फिर से प्रेस कर रहे हैं, देखिए फिर थोड़ा टाइट करके कर रहे हैं। देखिए देखिए फिर से, देखिए खोल के निकाल लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से पंचिंग हो जाती है हाइड्रोलिक पाइप। अब दूसरा पाइप फिट कर रहे हैं। दूसरा वाले भी देख लीजिए, देखिए यहाँ कितना प्रेशर है। ये 200-250 केजी की प्रेशर पे सेटिंग है। देखिए ऑटोमेटिक ट्रिप हो जा रही है। देखिए कुछ ये भी नए वाली पाइप भी बन के एकदम बिल्कुल रेडी हो गया। और ऐसे ही पाइप, मतलब कि जो भी पाइप बनते हैं ऐसे ही पाइप बनते हैं। देखिए पुराना वाला एक साइड ख़राब था तो वो बनवा दिए और एक नया वाली पाइप रेडी हो गया। सेम उसी साइज़ का 1 मीटर का है और 1.5 इंची है पाइप। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।